नमस्कार दोस्तों, ये टॉप लाइन 5 HP का इंजन है दोस्तों। इसमें क्या हुआ है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। इसमें कंप्रेसर है, हर चीज़ सही है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये पानी पर चलता है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है और पंप का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, मतलब कि पंप अगर कोई साउंड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम पंप से एयर निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद ये पंप में एयर ना अटकी हो। इसके वजह से भी बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर पंप में एयर हो, इसलिए हम एयर निकाल कर सबसे पहले देखेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, पंप में कोई भी प्रकार की कोई एयर नहीं बनी हुई है। तब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका ऑटो मेजर खोल लेंगे, जैसे कि नाजुल इसको चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद खोलेंगे। इसको मैंने बॉडी से बाहर निकाल लिया है क्योंकि इसको चेक करना था। अब इसको हम घुमाएंगे फिर देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो साकेट है यहाँ से लीकेज कर रहा है, आप ध्यान से देखें। इसमें दोस्तों क्या हुआ है, इसका जो नाजल है वो जाम हो चुका है। इसको हम एक बार फिर टाइट कर लेंगे, शायद ढीला ना रह गया हो। अब रजिस्टर से नाजल को हम ढीला करने की भी कोशिश करेंगे, शायद नाजल अगर ज़्यादा टाइट होगा तब भी ये दिक्कत आ सकती है। फिर भी इसमें कोई भी जो है डीजल नहीं आ रहा है। देखिए बीच से ही ये लीकेज कर रहा है, इसका क्या कारण है, पंप सही से नीचे से डीजल दे रहा है डीबी और प्लंजर, लेकिन जो ये नाजल है वो इसको निकाल नहीं रहा है। इसलिए जहाँ से जगह पाएगा वहाँ से निकाल देगा, अगर यहाँ से नहीं निकलता तो डीबी इसकी लीकेज कर जाती। अब इसका जो ऑटो मेजर है यानी कि नोजल, उसको हम खोल लेंगे। हमने पूरा ऑटो मेजर को खोल दिया है, अभी हमने नाजुल को निकाला है और दोस्तों इसी को हम सेट करके इसको हम चलाएंगे। ना देखी हो, ये है सिंदूर, जो महिलाएं सर में सिंदूर लगाती हैं मांग में, ये वही दोस्तों सिंदूर है। और ये दोस्तों अच्छा सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि जो नोजल होता है तो नोजल के जो सुराख होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। अगर आपका सिंदूर कोई पत्थर से या किसी से बना हुआ लोकल होगा तो आपका नोजल चलने के बजाय और जाम हो जाएगा। इसलिए जो सिंदूर लिया जाता है तो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और दोस्तों इसको क्या होगा, नोजल की पिन पर टॉप पर लगा कर इसको गोल गोल घुमाया जाता है, ना कि आगे पीछे। आगे पीछे इसको नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इसको कुछ देर तक ऐसे घुमाएंगे हम। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जो कार्बन होता है तो नोजल को जाम कर देता है। और ये दिक्कतें कब आती है, जब अगर आपका इंजन ज़्यादा स्मोक कर रहा है तब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बनने की स्थिति रहती है। इसको हमने दोबारा इसमें जो है सिंदूर लगाया है। और दोस्तों हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो हमें बनाने में आपका सहयोग मिलता है। अब इसमें क्या करें दोस्तों, सिंदूर तो हमने लगा के इसको जो है ग्राइंड कर दिया। इसके बाद में हम आखिरी में इसमें डीजल ज़रूर डाला जाता है, इसके बाद में फिर हम पिन डाल देंगे। दोस्तों ये समस्याएं ज़्यादातर इंजनों में आया करती हैं, इसलिए ये काम बहुत होता है। दोस्तों इंजन में कुछ काम है जो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। अब इसको हम इससे चला देंगे, इसके बाद में हल्की सी इस पर चोट दे देंगे, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा नहीं दी जाएगी, केवल हल्की सी, कि जो
इसके सुराख बंद थे वो खुल जाए। ये दोस्तों गारंटी के साथ नोजल नए के जैसा ही काम करेगा। बस क्या होता है जब इसका पंप पुराना हो जाता है दोस्तों तो कभी कभी स्मोक करने लगता है और इसका जो माइलेज होता है इंजन का वो घट जाता है। पुराने पंप में ये दिक्कत आ जाती है, ये समस्या बन जाती है। बाकी चलेगा, हर चीज़ होगा, लोड लेगा, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि कभी कभी स्मोक, और जो आपका डीजल होगा वो तो ज़्यादा लेगा ही लेगा, माइलेज गिर जाएगा। अब इसको हम दोबारा वैसे ही प्रेस करके बांध देंगे। ये एडजस्टर स्प्रिंग है, ये दोस्तों एडजस्टर नट कहीं कहीं बोला जाता है और इसे गट्टा भी कहीं कहीं पर लोग कहते हैं। ये नोजल को जब लगाया जाता है तो इसमें एक पिन होती है, उसमें इसको फंसाया जाता है जिससे कि घूमे ना, और अगर घूम गया तो फिर इसके काम कर ही नहीं सकता है। और इसको पकड़ के इसका जो है सॉकेट लगाया जाता है। पंप दोस्तों इसका मेंटेन हो गया है। अब इसको हम बांध कर आपको चलाकर सीधे दिखाएंगे। अगर हम बांधने का और चलाने का पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे दोस्तों तो आप लोग बोर हो जाएंगे और बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। जो पंप का मेन काम था इसको मैंने फिट कर दिया है। अब आप वीडियो देखें स्टार्टिंग का।